14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस और बच्चों के लिए बाल दिवस। नेहरू का भारत निर्माण में क्या योगदान रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है, हालांकि इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में बाल दिवस हमेशा से 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता था? फिर कब मनाते थे और क्यों, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। जवाहरलाल नेहरू न केवल एक शीर्ष कोटि के राजनेता थे बल्कि अद्भुत वक्ता, गांधी के घोषित उत्तराधिकारी और एक लेखक भी थे जिनके मन का कोना बच्चों के साथ खेलने को आतुर रहता था। नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं लेकिन ये अधिक उचित होता यदि वो मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ये बात एक तख्ती पर तीन मूर्ति भवन में लिखी है। यहाँ पर आप नेहरू से जुड़ी चीजों को देख सकते हैं। नेहरू एक सार्वजनिक व्यक्ति थे, गांव के भी उतने ही थे और शहर के भी। लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने का सदैव प्रयास करने वाले नेहरू का हमेशा मानना था कि भारत जैसे विविधता मूलक देश में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ही लोगों को संकटों से मुक्त कर सकती है और इसके लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। इसी तरह वो प्रेस की आजादी के भी समर्थक थे। कहते हैं कि नेहरू की हमेशा चाहत थी कि देश की जनता के भीतर अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क करने की वैज्ञानिक सोच पैदा हो। इसी तरह लघु और कुटीर उद्योग की उपयोगिता भी उन्होंने मानी लेकिन औद्योगिकरण पर भी बराबर जोर दिया। आप जानते हैं कि नेहरू का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील और कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली नेता थे। जब नेहरू विदेश से पढ़कर 1912 में लौटे तो सीधा राजनीति से जुड़ गए। बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया, फिर इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने, फिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया और असहयोग आंदोलन के सिलसिले में जेल भी गए। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हुए तो उसी साल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी हुई जिसके संस्थापकों में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। फिर साल 1929 की एक महत्वपूर्ण घटना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात की बात करें तो साल 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई और गांधी से वो काफ़ी प्रेरित हुए। आप जानते हैं कि नेताओं की जिस तिकड़ी के जरिए कांग्रेस पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखता था उसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। कई मौकों पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच मतभेद भी नजर आए लेकिन गांधी का स्पष्ट मानना था कि बावजूद इन मतभेदों के जवाहरलाल ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। नेहरू हमेशा इतिहास से सीखने के हामी रहे और अतीत के पन्नों को पलटते हुए भविष्य रचना करना उनकी खासियत रही। अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू के राष्ट्र निर्माण की परियोजना का सूत्रीकरण करें तो उसे आप कुल 7 आयामों में परिभाषित कर सकते हैं: राष्ट्रीय अखंडता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक सोच का विकास, सेक्युलरवाद और गुटनिरपेक्षता। नेहरू के भीतर अगर आपको उतरना हो तो उसका सबसे अच्छा जरिया उनके लेखन को पढ़ना है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां और समय समय पर दिए गए उनके भाषण शामिल हैं। विश्व इतिहास की झलकियां जेल में लिखे हुए उन पत्रों का संकलन है जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखी थी। ऐसा नहीं है कि नेहरू पर सवाल नहीं उठे, बहुत उठे। खासकर कश्मीर और भारत चीन संबंध जैसे फैसलों और नीतियों को आज तक सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। ना उनके प्रशंसकों की कमी है ना उनके आलोचकों की कमी है, लेकिन इन सब से इतर एक सच्चाई ये भी है कि भारत जैसी पारंपरिक समाज को आधुनिक बनाना या उसका आधुनिकीकरण करना स्वतंत्रता के समय आसान नहीं था और नेहरू ने उस समय इस कठिन लक्ष्य को साधने का प्रयास किया। अब आता हूँ उस बात पर जिससे हमने शुरुआत की थी। नेहरू हमेशा बच्चों से सीखने और उनको सिखाने के हामी रहे। उन्होंने 1955 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी ताकि वे भारतीय बच्चों को खुद अपना प्रतिनिधित्व करते हुए देख सकें। उनका कहना था कि बच्चे और बच्चों की संस्थाएं ही कल के भारत का निर्माण करेंगी, इसलिए उनमें सीखने की ललक जगाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए स्कूल के अतिरिक्त उनके भविष्य के लिए अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी होनी चाहिए। यही कारण है कि नेहरू के कार्यकाल में एम्स, इंजीनियरिंग के लिए IIT और प्रबंधन के लिए IIM की स्थापना हुई। वे जब तब बच्चों से मिलते रहते थे, उनसे बात करते रहते थे, उनकी संस्थाओं में आते जाते रहते थे। 14 नवंबर के दिन वो अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाना पसंद करते थे। वैसे बच्चों के विकास की महत्ता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और नेहरू के निधन से पहले
भारत में भी 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए यह फैसला किया गया कि अब हर साल 14 नवंबर को नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये थी छोटी सी कहानी कि क्यों 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी 20 नवंबर को मनाने की, और अलग अलग देशों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिन इसे मनाया भी जाता है। तो ये था पॉडकास्ट नेहरू के बारे में। आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने भारत को क्या दिया, या बाल दिवस से जुड़ी आपकी कुछ यादें हों तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ये पॉडकास्ट आप अध्याय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ और नए कार्यक्रमों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।